एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ आई लैशेज एक्सटेंशन कराने के लिए. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस. तो मेरे साथ है एक्सपर्ट समीर. हेलो. तो ये करेंगे आई लैश एक्सटेंशन. तो साथ साथ में आपको वीडियो में दिखती रहेगी पूरी प्रोसेस. तो दिस इज द बिफोर. अभी मैंने मस्कारा भी लगा रखा है तो भी रिमूव करेंगे. उसके बाद आपको बिफोर एंड आफ्टर वीडियो कम्प्लीटली इसमें शूट करेंगे. तो मिलते हैं आप थोड़ी देर के बाद. तो क्योंकि मैंने मस्कारा लगा रखा था तो इसलिए वाइप्स से वो मेरी आईज को पहले अच्छे से क्लीन कर रहे हैं. तो क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था आज आई लैश एक्सटेंशन लेने का, तो अगर आप स्पेशली आई लैश एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं तो आप अपनी आई लिड्स पे कुछ भी अप्लाई करके ना जाएं. तो इनका केयर कैसे करनी है ये हम एक्सपर्ट से जान लेते हैं. तो आज हम मैम की आई लैश करने जा रहे हैं. सो यू नीड शी नीड टू टेक सम प्रिकॉशंस लाइक उन्होंने ऑयल नहीं लगाना, कोई क्रीम नहीं लगाना, रफ ही रखनी है. अगर फेस क्लीन करना है तो वेट वाइप्स का मस्ट यूज. तो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है. तो पहले तो आईज के नीचे नीचे ये इस तरह की पहले टेप्स लगाते हैं ताकि जो है प्रोडक्ट जो है वो आईज के नीचे ना लगे, क्योंकि ग्लू से आई लैशेज चिपकती हैं तो वो नीचे ना लगे. तो ये जो है अच्छे से पहले ये टेप से चिपका देंगे, उसके बाद जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. तो प्रोसेस जो है वो सारा इस वीडियो के अंदर आपको दिखता रहेगा. तो ये मैंने इसमें जो है ऐड करा है सारा प्रोसेस. तो आप देखते रहिए कि कैसे 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 सब एक एक चीज़ें होती हैं. तो बीच बीच में मैं आपसे बात करती रहूँगी. वैसे इस प्रोसेस के टाइम पे करते हुए टाइम पे बोलना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलते हैं तो आपकी जो आईलिड्स हैं वो हिलने लग जाती हैं. कहीं आईज जो है वो मूवमेंट करती हैं. अगर आप एक्सप्रेशन चेंज करते हैं तो उससे जो ये ग्लू होती है जिससे आईलैशेस के ऊपर ही आईलैश चिपका रहे हैं वो आँख के अंदर भी जा सकती है, जिससे फिर आपकी आई में इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है. तो इसलिए आपको बोलना नहीं होता बिल्कुल भी. तो इसीलिए मैं आराम से बैठी हूँ. तो अभी मैं बाद में इस वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर कर दे रही हूँ बताने के लिए आपको सबको प्रोसेस. तो फिर अब इसके बाद क्या है, ये आई लैश एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है. तो इसमें आईज की बहुत ज़्यादा मुश्किल सा काम है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है ये. क्योंकि कितनी पतली पतली लैशेज के ऊपर लैशेज लगाना इज सच अ डिफ़िकल्ट टास्क आई गेस. तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैंड्स चाहिए इसके लिए. तो एंड रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है जो आपको एंड में देखने को मिलेगा. और वन आई कंप्लीट होने के बाद भी आपको साथ में दिखेगा कि जो दूसरी आई है और जो हो चुकी है डन उसमें कितना डिफरेंस है. ठीक है. तो फिर ये जो है प्रोसेस जो है ये 1 से 1.5 घंटा लग जाता है आराम से. तो आप 1.5-2 घंटे का टाइम तो मान के चलिए, इतना टाइम आप निकाल के आना. तो ये जो प्रोसेस है ये मैं करा रही हूँ स्टैंडर्ड ब्यूटी सैलून जो है, स्टैंडर्ड ब्यूटी पार्लर है जो 15 में चंडीगढ़ में. तो आप जो चंडीगढ़ में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो आप यहाँ पे आई लैश एक्सटेंशन करा सकते हैं. इनके पास ये फैसिलिटी है. तो यहाँ पे आप आई लैश एक्सटेंशन करा सकते हैं, आईब्रो टैटूइंग जो होती है वो करा सकते हैं, लिप्स पिगमेंटेशन अगर आप चाहें तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, आप करवा सकते हैं. तो इनका जो फ़ोन नंबर है एंड एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो आप फ़ोन पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं. तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो इनके जो है प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी देते हैं ये. तो आप इनसे बात करके आप सब कुछ पूछ सकते हैं अच्छे से. ये आपको अच्छे से एक एक चीज़ बताएंगे, सब प्रोसेस को आप गो थ्रू करवाएंगे आपसे अच्छे से. ओके. तो ये मेरा चल रहा है. तो ये अभी साथ साथ में जो है ये ब्रश जो रहता है इससे बालों को दोबारा से मतलब एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, इसलिए बीच बीच में ये ब्रशिंग करनी ज़रूरी होती है. तो ये साथ साथ में ब्रशिंग करते रहते हैं एंड ये आई लैशेज साथ साथ में ही लगाते रहते हैं. तो आप अभी से ही हल्का हल्का डिफरेंस देख सकते हैं जो मेरी ये वाली आई है और जो दूसरी वाली आई है उसमें, आई लैशेज में फ़र्क अभी से ही नज़र आना शुरू हो गया है.
तो मैं जो आई लैशेज आज ले रही हूँ ये है नेचुरल आई लैशेज। तो इसमें बहुत टाइप की आई लैश एक्सटेंशन आपको मिल जाती है, जैसे कि जो डेंस वाली आई लैशेज होती हैं वो कैट आई टाइप आई लैशेज, एंड आप अपनी मर्जी से आई लैश एक्सटेंशन ले सकते हैं। आपको जितना जैसा भी जितना भी आपको डेंस चाहिए उतनी डेंस आपको मिल जाती हैं। तो मैंने नेचुरल वाली करवा रही हूँ, तो ये नेचुरल वाली आई लैशेज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आई लैशेज नहीं दिखेंगी, बट ऐसे लगेगा कि नेचुरल आई लैशेज ही मेरी जो हैं वो ऐसे लंबी लंबी सी ही मेरी डेंस एंड थोड़ी लंबी लंबी सी ही मेरी नेचुरल आई लैशेज हैं, तो वैसे सा इफ़ेक्ट आएगा। आप अपनी मर्जी से करा सकते हैं और यहाँ इनसे पूछ सकते हैं आपको कैसी चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप करा सकते हैं। कैन सी द डिफरेंस कि कितनी सुंदर एंड लंबी लंबी सी आई लैशेज अभी से लगनी शुरू हो गई हैं, एंड प्रोसेस जो है वो अभी भी चल रहा है। तो अभी से आप देख सकते हैं कि आई लैशेज जो हैं वो कितनी ज़्यादा सुंदर सी लगने लग गई हैं, कर्व्ड सी एंड सुंदर सी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर सी लगने लग जाती हैं आई लैशेज। तो ये जो है मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, कुछ भी पेन नहीं होती है इस प्रोसेस के टाइम पे। तो ये आप देख सकते हो डिफरेंस, देखो ये वाली आई एंड दैट आई में आप अभी से डिफरेंस देख सकते हो कितना ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी, ये देखो अभी एक आई का मेरा जो है ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो डिफरेंस आई लैशेज की हल्की हल्की सी डेंस हो गई हैं ज़्यादा पहले से, एंड लॉन्ग भी लग रही हैं। तो आप देख सकते हो अच्छे से डिफरेंस। तो अब ये हो गई हैं डन, तो एक तरफ का ये जो इन्होंने लगा रखा था ये अब रिमूव कर दे रहे हैं। और अब दूसरी आई का भी सेम तरीके से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये सेकंड आई का भी वैसे ही जैसे फर्स्ट आई का दूसरी आई का क्या था वैसे सही होएगा सेकंड का भी। और आप देख सकते हो डेंसिटी में कितना फ़र्क है, एंड जो लेंथ है लेंथ ऑफ लैशेज में फ़र्क है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आप अपनी मर्ज़ी से लेंथ भी करवा सकते हो, आपको जितनी लंबी चाहिए या कम लंबी चाहिए लैशेज की जो लेंथ है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हो, ठीक है। तो आप सब कुछ कस्टमाइज़ करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये आप देख सकते हो इसका भी प्रोसेस चल रहा है इस वाली आई का, एंड दिस इज़ द आई कि इसका कंप्लीट हो गया है। एंड लुक एट द लैशेस कितनी सुंदर लग रही हैं, ऑल नेचुरल बहुत सुंदर लग रही हैं, और इस वाले का अभी प्रोसेस चल रहा है। एंड ये लग रही हैं बस फाइनल वाली लैशेज लास्ट में, एंड इट इज़ डन। तो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, एंड लुक एट दिस लैशेज ऑल नेचुरल एंड लॉन्ग लैशेज एंड ब्यूटीफुल लैशेज। तो अभी क्योंकि मैं पिछले 2 घंटे से आके बंद करके बैठी थी तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था आके खोलने में। दिस इज द फाइनल लुक एंड okay, we are going now. Bye-bye. Thank you. Thank you, Shaheen. तो अभी हमारा ये आई लैशेज वाला कम्प्लीट हो गया है। तो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताना, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।
दीज आर माई आई लैशेज नेक्स्ट डे, तो ये अराउंड 20 to 30 days तक रहती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना उनका अच्छे से ध्यान रखते हो। आपको आईज वॉश नहीं करनी होती तो ये इस पर कुछ लगाना नहीं होता, तो ये तब तक चल जाती हैं। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।